माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ था और जिस तरह से उसमें सामाजिक सहभागिता को जोड़ा गया था, ये तभी संभव हो पाया कि पूरा समाज एक साथ जुटा, समाज के सब घटक एक साथ जुटे, तभी संभव हो पाया कि हमने इतने छोटे से समय में देश को खुले में शौच से न केवल मुक्त किया अपितु पूरी दुनिया के सामने भारत का सम्मान बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। उसी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए जल जीवन मिशन के सफलता के लिए भी हमने जन सहभागिता को पहली आवश्यकता मानते हुए उस दिशा में काम किया। आज देश भर में इन दोनों ही कार्यक्रमों के तहत, जहां एक तरफ हम ODF से आगे बढ़ करके ODF प्लस यानी संपूर्ण स्वच्छता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, देश के 6 लाख गांवों में से 64% गांव ODF प्लस की किसी न किसी एक कैटेगरी में क्वालिफाई हुए। वहीं दूसरी ओर जहां देश में जल जीवन मिशन के द्वारा पेयजल की उपलब्धता का आंकड़ा 16% घरों से आगे बढ़ करके 64% तक पहुंचा है, निश्चित ही सब में जिन लोगों ने मिलकर के काम किया वो सभी लोग एक साथ बैठें, चर्चा करें, बार बार बातचीत करें, अपने अनुभवों को साझा करें, एक दूसरे के अनुभवों से सीखें, एक दूसरों की असफलताओं से सीख करके आगे बढ़ें। इस दृष्टिकोण से ये 2 दिवसीय विचार मंथन निश्चित ही अत्यंत लाभदायी होगा।